GIN TV presents जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद अजय माकन शुक्रवार संध्या कीर्ति नगर स्थित चावला भवन में पुराने कांग्रेसी नेताओं व करोड़बाग जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हरीश चावला के निमंत्रण पर चाय पर पहुंचे। हरीश चावला ने दैनिक इंडिया दर्पण को बताया कि इस कार्यक्रम में 70 के दशक के कांग्रेसी से लेकर वर्तमान कांग्रेसी तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार 4 दिन से अथक परिश्रम कर रहे थे। बलदेव चन्ना, राजेंद्र शर्मा सहित निगम चुनाव लड़े उम्मीदवार के साथ मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कीर्ति नगर को कांग्रेस में कर दिखाया। केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद अजय माकन ने उपस्थित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी स्पष्ट बहुमत रहने के बाद देश के ईमानदार व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन पुरवाल जी, जो हमारे दोनों टॉप प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे जो कैंडिडेट्स कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस कर रहे थे, सबके सब कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी स्वागत है। और सबसे अच्छी बात, जैसे हरीश जी ने शुरुआत में बोली कि जो हमारे पुराने साथी 70 और 80 के बीच में और 70 के दशक में कांग्रेस को यहाँ पर जिन लोगों ने जिंदा किया, सबके सब लोग आज यहाँ पे मौजूद। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो इस पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग नेताओं से आए हुए, मैं समझता हूँ कि तमाम मौजूद कांग्रेस के नेता यहाँ पे आज मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत और आपका आभार कर रहा हूँ। कांग्रेस का एक परिवार और एक कांग्रेस का के संगठन की एक सबसे बड़ी खूबी रहती है कि कांग्रेस के लोग सबके सब लोग एक परिवार की तरह से रहते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस संगठन नहीं बल्कि कांग्रेस एक आंदोलन। और इससे पहले भी हम लोगों ने जिस वक्त 2004 के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इंडिया शाइनिंग का एक नारा दिया था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और 2004 के जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस उस वक्त चुन करके कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी। और मैं ये बात आपको वापस इसलिए पुरानी बात पे लेके जाना चाहता हूं कि लोग बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुबह से लेके शाम तक जिस तरीके से एक चीज को बार बार जिस तरीके से कुछ चीजों को दिखाता है, वो एक बहुत ही तरीके से धीरे धीरे कुछ चीजें लोगों के दिमाग में डालता है। आपको वापस मैं 2004 के उस समय लेकर के जाना चाहता हूं जब 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास में 272 ही नहीं, अभी 272 नहीं बल्कि 305 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास में था। और हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के पास 305 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट लेटर था। जब वो राष्ट्रपति के पास में गई, सबके सब लोगों की ये सोच थी कि राष्ट्रपति के पास में गई है और सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। मैं उस वक्त मौजूद था जब 10 जनपद पे शाम को एक मीटिंग हुई और सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वहां पर बुलाया गया और वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैंने ये तय किया है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती और सबसे काबिल हमारे देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और वो आज ऑपोजिशन पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर एक नेता दूसरे नेता की कुर्सी छीनने में इसलिए लगा हुआ है कि ये कहीं नंबर एक ना बन जाए, मैं नंबर एक हूं। आज वो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से कांग्रेस के ऊपर अगर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं ये किसी भी कांग्रेस के गले से बात उतरने वाली नहीं है। और जिस वक्त हम लोग अगर पुरानी सारी बातों को इतिहास दोहरा करके देखें तो शायद हम लोगों की कोई भी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं हो।
वो भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज कहती है मैं बड़ा हूं, तो राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली कहते नहीं मैं बड़ा हूं, और इन दोनों से उमर एन के अडवाणी कहते हैं उमर में तो मैं बड़ा हूं, मेरा पहले नंबर आना चाहिए। राजनाथ सिंह पहले भी अध्यक्ष तो कहते हैं तो मैं अध्यक्ष बन गया मैं सबसे बड़ा हूं। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि मैं उमर में सबसे बड़ा हूं। इन सबके झगड़े में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तीन बार जीत करके आया हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर हर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जिसके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया और उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ इसके बने तो चाहते हैं, वो दोनों की दोनों पार्टियों में अपनी आंख को अलग करा जाता। राहुल गांधी जी वाइस प्रेसिडेंट बने, आप लोगों ने शायद पिछले चार पांच वर्षों के अंदर संभालना चाहिए। हम लोग सब लोग राजनीति करते हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर जब टिकट के लिए बात आती है बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, कांग्रेस बीजेपी हर व्यक्ति का ये एक सपना होता है कि हम चुन करके कॉर्पोरेशन के अंदर जाएं, हम चुन करके विधानसभा में जाएं, हमको चुन करके संसद होता है, कॉर्पोरेशन के अंदर कि मैं जोन का चेयरमैन बन जाऊं, एमएलए का होता है मैं मिनिस्टर बन जाऊं, एमपी का होता है मैं केंद्र के अंदर मिनिस्टर बन जाऊं। और राहुल गांधी जी जो पिछले 9 वर्षों से उनको लगातार किसी भी शख्स को कहें कि मेरे को कैबिनेट में आना है और वो मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, वो कहते कि नहीं मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, संगठन को एक करना चाहता हूं। मैं ये सब चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज जिस संगठन के नेतृत्व हम लोगों को जो हम लोगों के सामने जिस तरीके से बाय एग्जाम्पल उदाहरण के तौर के ऊपर जिस नेतृत्व ने हम लोगों के सामने अपनी बात को रखा है, मुझे खुशी है उस बात की कि अगर कहीं पर भी इस बात को आज इस कमरे में अगर अलग अलग विचार अलग अलग बातें, मैं सब चाहता हूं हम सब लोग एक दूसरे को यहां पर मिलते रहे, सब लोग कभी कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है कोई लड़ना चाहता है, लेकिन सब एक कार्यकर्ता को मिलती है सबको नहीं मिलती, लेकिन बावजूद इसके आज सबके सब लोग यहाँ पर हम लोग एक इस कमरे में बैठ करके मोदी नगर विधानसभा के तमाम लोग तमाम आवाजें इकट्ठी होकर के इस कमरे में बैठी हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर उदाहरण पूरे के पूरे हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम में लाफ्टर क्लब कीर्ति नगर के सदस्यों के साथ कुलदीप सिंह चन्ना, राजकुमार मक्को, राजन भगारा, राकेश जोशी, अनिल तलवार, लखबीर सिंह रखा, करोड़बाग जिला उपाध्यक्ष खोरवाल, उपाध्यक्ष राजेश चोपड़ा, सुनील राय, हरीश भगारा, संजय निझावन व कीर्ति नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गुरुदेव सिंह सहित सैकड़ों नए पुराने कांग्रेसी उपस्थित थे। जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।